दोस्तों आज हम एलसीएम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक एक चीज बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में। मैं हूं आपका दोस्त अश्विन किरदोनी और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके सक्सेस में। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, तीन शब्द से बना हो, कौन कौन से देखिए। एलसीएम किसका फुल फॉर्म है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले एक एक वर्ड का समझते हैं क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम मल्टीपल समझते हैं। मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि हम दो संख्या ले लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं 16, ठीक है। तो 12 का मल्टीपल क्या होगा, जैसे 12 का पहाड़ा पड़े, 12 दुनी 24, 12 कम 12, फिर 12 दुनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ये क्या होगा, फिर बढ़ता जाएगा। इस तरह 12 का गुना करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 16 का भी देखें, 16 एकम 16, 16 दुनी 32, 16 का 16 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, ठीक है। इस तरह भी ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा मल्टीपल। अब एक ये तो हो गया क्या, मल्टीपल, किसी भी संख्या का मल्टीपल मतलब उसका गुणज, उससे गुणा करने पर क्या होगा, बढ़ता जाए वो, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है। अब यहां पे हमें यदि बोला जाए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यदि पूछे इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां पे देखिए एक शब्द और आया है, वो क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो वनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, देखिए यहां पे आप देखिए 48 कॉमन है, दोनों में 48 आ रहा है, दोनों के जो हम गुणनखंड निकाले हैं उसमें क्या है, 48 48 आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 48 और क्या आ रहा है, 96 भी आ रहा है। उसके बाद इसका जब आप आगे भी करेंगे तो इसका आगे भी आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन समझ में आ गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, 48 कॉमन है, फिर 96 कॉमन है, इसी तरह आगे भी कॉमन आएगा संख्या, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब लीस्ट, लीस्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों, सबसे छोटा या फिर सबसे छोटा, सबसे छोटा कॉमन कौन सा होगा इन दोनों में से, इन दोनों में से यदि देखे 12 और 16 का सबसे कॉमन क्या है इन दोनों में से, एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। मतलब 48 क्या है, सबसे कॉमन नंबर है जो दोनों में आ रहा है और सबसे छोटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 48। इसके बाद देखिए 96 भी होगा और आगे भी आता जाएगा, तो इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो गया, 48 हो गया। दोस्तों कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एससीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नहीं है। क्यों क्यों नहीं होता है दोस्तों ऐसा, क्योंकि ये क्या होगा, एससीएम यदि निकाले वो हम निकाल नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कितना बड़ा संख्या होगा वो हमें नहीं पता है, वो करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने कभी एससीएम नहीं सुना होगा। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो आएगा वो होगा दोनों नंबर में। तो यहां पे समझिए क्या बोल रहा है, इसका परिभाषा क्या है, वह है सबसे छोटी संख्या जो सभी लिए गए संख्याओं से विभाजित हो। तो ये 48 क्या है, सबसे छोटी संख्या जो लिए गए सभी संख्या, लिए गए सभी संख्या मतलब कौन कौन से, जैसे 12 और 16 देखे, तो इन दोनों से क्या है, विभाजित होना चाहिए, विभाजित हो जाए ऐसी छोटी संख्या जो लिए गए संख्या, मतलब 12 और 16 जैसे हमने लिया है, तो लिए गए संख्या से विभाज्य हो, मतलब विभाजित हो जाए, मतलब उससे पूरा भाग चला जाए, ठीक है। जो शेषफल है वो क्या है, शून्य है। तो हमारा इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये तो पूरा बेसिक था। अब दोस्तों इसके कौन कौन से मेथड होते हैं वो देख लेते हैं, हमें 12 और 16 लेके चल रहे हैं, तो पहले इसी का देख लेते हैं, 12 और 16। अब सबसे पहला मेथड, ये हमारा पहला मेथड है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 2 का 6 दुनी 12 होता है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, ये 12 का हो गया। इसी तरह 6 का कितना हो जाएगा, 16 का कितना हो जाएगा, 8 दुनी 16, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब हम कैसे करते हैं, ये सब हम बचपन में भी करे हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक से ही देख रहे हैं, सबसे सिंपल जो हमारा, हम जो बचपन से सीखते आ रहे हैं वो चीज देखते हैं। देखिए ये दो दो तो दोनों में कॉमन है, उसके बाद बचा क्या हमारा दोस्तों, 3 और 2। तो मतलब इसमें हम कैसे एलसीएम यदि देखे 12 और 16 का एलसीएम जो हम बचपन में करते, तो क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन ले लिए, इन दोनों से 1 2 आ गया, इन दोनों से 1 2 आ गया, इन दोनों से फिर क्या करेंगे, जो बचता है उसके बाद वो भी ले लिया जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32, 16 तिया 48, तो हमारा ये 48 आ गया। ये तो हम बचपन में सीखे। और एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका देखिए, 12 और 16 भाग विधि जो होता है, 12 और 16, तो इसको आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, जो दोनों से कट जाए ना, दोनों में मतलब दोनों को जो भी संख्या काटे, तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16,
फिर इसको और करेंगे 2 से 2 3 6 तो जो को 8, फिर इसको और छोटा करेंगे तो 2 से, जो छोटी संख्या से लेते हैं हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 और 3 का वैसे ही रहेंगे, 3 में कुछ नहीं करना है। फिर क्या आ गया, 3 1 3 फिर 2 1 2, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सबका गुणा कर देते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48, तो यहां से भी हमारा क्या आ जाएगा, 48। ये तो हमने बचपन में सीखे। और एक तरीका दोस्तों, आप जब भी करेंगे, देखिए आप यदि स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं, आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो आप ये वाला मेथड यूज कीजिए, ठीक है, दूसरा वाला मेथड। और यहाँ पे हमें कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों ऐसे ही हम करें, मतलब छोटी संख्या पहले लिखे बड़ी संख्या बाद में लिखे, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करिए, जो भी संख्या इसमें भाग चला जाए, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या हो तो भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, देखिए 4 4 से यहाँ पे जैसे 12 और 16 है, 12 और 16, तो इसको हम 4 से भी कर सकते थे, 4 3 12 और 4 6 16। अब देखिए, अब इसको और करने की जरूरत नहीं, 4 6 16 16 3 16 का 16 32 16 3 48, तो ये 48 आ जाता। मतलब जो बड़ी से बड़ी संख्या से आप काट सके वो ले लीजिए डायरेक्टली, ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो इसी मेथड से आपको करना है यदि आप स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं, आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। अब जो मेन मेथड है, ठीक है, जो हमें यूज करना है वो मेथड कौन सा है, तीसरा मेथड। अब जैसे कि बोला गया कि 12 और 16 का एलसीएम निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, देखो सबसे हमें क्या मान लेना है, जो बड़ा है वो क्या है, एलसीएम है हमारा, ठीक है। क्या मानेंगे आप, जो बड़ा है वो एलसीएम है। अब क्या करेंगे, इसको हमने एलसीएम मान लिया। अब एलसीएम कौन सी संख्या होती है दोस्तों, जिसमें जितने भी ली गई संख्या है उससे भाग चला जाना चाहिए। अब देखिए यहां पे यदि हम इसको 12 से भाग दे तो चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा ऊपर, यदि 3 ऊपर ऐड करे तो पूरा भाग चला जाएगा, ऊपर मतलब 3 का यदि गुणा करे तो पूरा भाग चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं दोस्तों। देखिए हमने क्या मान लिया, जो भी बड़ी संख्या दिया रहेगा उसको हम एलसीएम मान लेंगे, ठीक है। हमने जैसे 16 को एलसीएम मान लिया, अब उसको क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे तो भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें 3 का यदि ऊपर गुणा कर दे तो भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए 3 से काटेंगे, 3 6 12, ठीक है, और 4 6 16, पूरा भाग जा रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मतलब हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 16 × 3, मतलब 16 को 32 16 3 48, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। और थोड़ा अच्छे समझ में समझाता हूँ दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या माना, 16 मान लिया एलसीएम है। अब इसका देखिए 12 और 16 में आपको कंपेयर करना है, 12 से यदि 16 को भाग देंगे तो नहीं जाएगा, मतलब इसको यदि एलसीएम मान ले 16 को तो पूरा नहीं जा रहा है। तो हमें क्या देखना है, देखिए 16 में हमारा क्या क्या आ गया, 4 × 4 16 होता है, और 12 में क्या होता है दोस्तों, कौन कौन सा इसमें जो नहीं आया है, इसमें जो गुणनखंड जो नहीं आया है वो हमें निकालना है, जो गुणनखंड है इसका जो इसमें नहीं आया है, 16 में जो नहीं आया है वो इसमें 16 में ऐड करना है। तो कौन सा नहीं आया, 12 का क्या होता है दोस्तों, 6 2 12 होता है, ठीक है, 6 2 12 है, फिर इसको बोले 3 2 6 होता है, 6 को मैं 3 2 6 भी लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या नहीं आया है, देखिए ये 3 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, जो 16 का गुणनखंड हमने किया है इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, 2 तो आ चुका है इधर, 4 को 2 × 2 कर सकते हैं, 2 तो आ चुका है, लेकिन ये 3 नहीं आया, तो हमें एक चीज और ऐड करना है, क्या, 3। तो हो सकता है दोस्तों ये मेथड यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगे कि ये कैसा मेथड है, तो ये सारा चीज आपको दिमाग में करना है। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिमाग में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 16 ले लिया, बड़ा वाला संख्या 16 ले लिए, मान लिया एलसीएम, और जो इसमें नहीं आया है, मतलब 16 के अंदर जो गुणनखंड नहीं आया वो हम कहां से ले, 12 का गुणनखंड में से जो 16 में नहीं आया उसको ले लेंगे। तो इसमें 3 नहीं आ रहा था, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 3 48 हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैं 4 क्वेश्चन ऐड किया हूँ, इसका सबका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हैं, नहीं तो ये पहला वाला मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिए कैसे करना है। वह छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 और 24 से भाग देने से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए अब ऐसी छोटी संख्या पूछ रहा है जो इन चारों से भाग देने पर क्या हो जाए, पूर्णतः कट जाए। ऐसे भी पूछ सकता है और डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसका एलसीएम क्या है, तो डायरेक्ट एलसीएम पूछेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए, ये क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा कि एलसीएम निकालना है, लेकिन हमें निकालना एलसीएम है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम मान लिए 24, इसका एलसीएम क्या मान लिया, 24। अब 24 क्या होता है, 24 का यदि हम देखें 8 + 24 होता है,
ठीक है, 8 * 3 = 24 होता है। अब देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सा गुणन, जो इसका जो मल्टीपल है, जिसके जो गुणनखंड है वो कौन कौन सा इसमें 24 में नहीं है, वो हमें कहां से लेना है, इससे लेना है, ठीक है, इससे लेना है। अब देखिए 18 क्या होता है, 9 * 2 = 18 होता है, 9 * 2 = 18, तो 3 * 3 = 9 होता है। देखिए यहां से 1 * 3 तो हमारा यहां इसमें आ चुका है, क्योंकि 8 * 3 = 24 होता है, 1 * 3 आ चुका है, 1 * 3 नहीं आया, तो 1 * 3 हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना। अब जैसे 12 का क्या होता है, 4 * 3 = 12 होता है, तो 3 तो हमारा आ चुका है और 12 भी इसके अंदर है 24 के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। और इससे क्या आ जाएगा, 8 * 4 * 2 = 8, इसमें क्या हो जाएगा, 4 * 6 = 24 होता है, 4 आ गया इसके अंदर, और 4 * 6 = 24 मतलब देखिए इसको हम कर रहे हैं, यदि 4 * 6 करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 भी आ चुका है, 4 * 2 = 8 होता है, और 2 भी आ चुका है इसके अंदर, तो हमारा ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 * 3 जो होगा वो ये हमारा एलसीएम होगा, कितना हो जाएगा, 3 * 6 = 12 और 3 * 2 = 6 और 1 = 7 मतलब 72 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब देखिए ए नंबर, इसको आप करिए कैसे करना है। अब सबसे पहले हम आप वीडियो को पॉज कर खुद से करके देखिए इस मेथड से। ये मेथड दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी आपको थोड़ा हो सकता है थोड़ा टाइम लगे इसको करने में, बट प्रैक्टिस जब आप करने लगेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसको करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 36, तो हम क्या मान लेंगे, इसका जो एलसीएम है वो 36 है। अब हमें देखना है 36 के अंदर जितना जितना गुणनखंड है वो 27 का सारा आ चुका है कि नहीं। 27 का क्या होता है दोस्तों, 9 * 3 = 27 और इसमें क्या होता है, 9 * 4 = 36, ठीक है। अब देखिए इसमें 9 तो आ चुका है, ये वाला 9 तो आ चुका है, लेकिन 3 नहीं आया, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखना 24 का क्या होता है दोस्तों, 12 * 2 = 24 होता है, या फिर 6 * 4 = 24 होता है। अब 6 में देखिए 4 तो आ चुका है, 36 में 4 आ जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसा बोले 6 * 6 = 36, 6 आ चुका है, और 6 * 6 करेंगे तो 6 * 6 = 36 मतलब 6 तो आ चुका है, लेकिन ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 * 2 = 4 करेंगे मतलब 2 अभी यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, 36 में 6 आ चुका है, 2 आ चुका है, लेकिन 1 - 2 और बच रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, 1 - 2 और बच रहा है, तो वो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 18 के देखते हैं तो क्या होता है, 9 * 2 = 18, तो 9 * 2 = 18 इसमें आ चुका है, 2 आ चुका है और 9 इसमें आ जाएगा, तो ये नहीं आएगा। 15 * 3 = 15, तो 15 क्या होता है, 3 * 5 = 15, 3 तो आ चुका है, तो बचा क्या, 5, तो 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, तो 5 * 2 = 10, 10 * 3 = 30 और 30 का हो जाएगा 3 * 3 = 18 और 3 * 3 = 9 और 1 = 10 मतलब 10 = 80 का एलसीएम होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बी नंबर है, इसको आप खुद से करने की कोशिश करिए, देखिए कैसे होगा। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, इसको हम सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 35, तो हम मान लेते हैं कि 35 है इसका एलसीएम। अब 35 जब एलसीएम मान लिया तो 35 तो सारी संख्या से कटना चाहिए जितनी संख्या हम ले रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या नहीं आया है वो हमें कहाँ से लेना है, इनमें से लेना है, ठीक है, 21 और 24 से, जो इसमें इंक्लूड नहीं है, जो गुणनखंड इसमें इंक्लूड नहीं है 35 में, वो कहाँ से लेंगे, 21 और 24 से लेंगे। अब 21 का क्या होता है, 7 * 3 = 21, 7 तो इसमें आ चुका है, 3 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे यहां से 3 ले लेंगे। अब 24 में कितना है दोस्तों, 8 * 3 = 24, 3 तो यहां आ चुका है लेकिन 8 नहीं आया, ठीक है, 8 ले लिया, तो अब कितना हो जाएगा, 8 * 3 = 24, 24 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 * 5 = 20, हासिला कितना दोस्तों, 2 * 4 * 3 = 12 और 5 * 2 = 10 मतलब कितना, 22 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 और बचा कितना, 2, तो 3 * 2 = 6 = 2 = 8 मतलब 840। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का 840। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या है, 70, 60 और 45 का आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है दोस्तों, 70, तो हम मान लेंगे इसका एलसीएम कितना है, 70। अब जो 70 हमने एलसीएम माना है ये 60 और 45 से भी भाग जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है भाग, आप देखिए 60 से यदि भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो गुणनखंड आ रहा है कुछ इसमें मिसिंग है, तो क्या मिसिंग है वो हमें ढूंढना है। तो 70 का क्या होता है, 7 * 10 होता है, और 60 का क्या होता है, 6 * 10, तो 10 तो इसके अंदर आ चुका है, किसके अंदर, 70 के अंदर, बचा क्या, 6, तो हम 6 ले लेंगे, 6 आ गया * अब 45 के अंदर जो आ रहा है, इसके अंदर जो नहीं आ रहा है वो हमें कहां से लेना है, 45 से लेना है, तो 45 के अंदर क्या होता है, 9 * 5 होता है, और 9 का कितना होता है, 3 * 9 * 5। अब देखिए इसमें से क्या क्या नहीं आया है वो हमें लेना है इसके अंदर, तो 5 तो 70 के अंदर आ जाएगा, 3 आया है क्या, 3 * 1 = 3 इधर आ गया, 1 * 3 बचा, तो हमें 1 * 3 इधर से ले लिया, ठीक है। अब यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 6 * 3 = 18, 18 *
70, तो 18 पंजे 90, 18 छंग 108, 18 सत्ते 126, मतलब 1260, ये हमारा क्या हो जाएगा LCM। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस मेथड से कैसे करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों एलसीएम के, तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो तीनों टाइप के पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका क्या उपयोग है वो देखेंगे। आज हम सिर्फ टाइप वन देखने वाले हैं, उसमें क्या होता है जब शेष स्थिर हो, जब शेष स्थिर हो मतलब क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है जो बचता है एलसीएम भाग देने के बाद वो क्या हो, स्थिर हो, मतलब स्थिर मतलब कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वह है छोटी संख्या, जैसे कि एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब ए बी सी तथा डी से भाग दे, मतलब क्या हो रहा है ए बी सी तथा डी से भाग दे रहे तो हर बार क्या हो के बचे, के शेष बचे। तो समझिए ए बी सी से भाग देने के बाद पूरा भाग चला जाए, वह संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी संख्या, वह संख्या क्या होगी एलसीएम ऑफ ए बी सी और डी, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी का जो एलसीएम होगा वो ए बी सी डी से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि हर बार क्या हो, हर बार शेष के बचे, अब चारों से भाग देने पर के बचे, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, ये तो जो एलसीएम होगा ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसमें हमें यदि के जोड़ दे तो क्या होगा, हर बार जब आप भाग दोगे तो के बच जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट यूज करना है, क्या करना है हमें सारे संख्या का एलसीएम निकाल लेना है, जो एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे, जो भी शेष बचाना है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन से समझते हैं कैसे इस मेथड को कैसे यूज करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 24 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष कितना बचे, 7 बचे। तो सबसे पहले तो एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना है किसका किसका, 12, 15, 20 और 24। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले देख लीजिए एलसीएम 24 हमने मान लिया, क्या है 24 हमारा एलसीएम है। अब कौन सा संख्या इसमें नहीं आ रहा है वो देखना है, जैसे देखिए इसमें 4 छंग 24 होता है, 4 इंटू 6 होता है, अब 20 में से कौन सा गुणनखंड इसमें नहीं आया है वो आपको देखना है। तो देखिए 4 तो 4 पंजे 20 होता है, तो कितना नहीं आया, 5 नहीं आया है इसमें, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, 5 3 15 5 आ गया, 3 20 में है तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है 4 3 12 वो भी नहीं है, 4 3 12 मतलब 4 भी आ चुका है और 3 भी आ चुका है, तो ये भी कुछ नहीं आएगा, मतलब 5 से 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आएगा वो आपका क्या होगा एलसीएम होगा। 5 6 20 हसीला 2 5 2 10 2 12 120, 120 क्या है दोस्तों, 120 को यदि आप इन चारों संख्या से भाग देंगे तो भाग चला जाएगा। हमें क्या करना है, शेषफल कितना बचाना है, 7 बचाना है, तो एलसीएम प्लस के, एलसीएम ऑफ ये जो चारों संख्या थे उनके एलसीएम प्लस के करना है, के कितना है हमारा दोस्तों, 7 है, तो प्लस 7 कर देना है, प्लस 7 तो आपका क्या आ जाएगा 127 को आप यदि इन चारों संख्या से भाग देंगे दोस्तों तो हमारा हमेशा क्या बचेगा, 7 शेषफल बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 127, वही छोटी संख्या कौन सा है, 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला है देखिए, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन चारों में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में कितना, 5 शेष बचे। तो आपको क्या करना है, इन सबका एलसीएम निकालना है और 5 जोड़ देना है, वही छोटी छोटी संख्या होगी, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 35 हमने माना एलसीएम है, अब 7 पना 35 होता है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 7 चौको 28, अब क्या नहीं आया है इसमें, 4 नहीं आया, मतलब 7 तो आ गया लेकिन 4 नहीं आया, 4 को गुणा कर दिया, इसमें क्या होता है, 7 या 21 और 3 नहीं आया, मतलब 3 का गुणा कर देंगे, इसमें क्या होता है, 7 दूनी 14, तो 2 तो आ चुका है लेकिन 2 आ चुका है और 7 भी आ चुका है, तो हमारा हो गया सॉल्व। तो यहाँ से कहना है 4 3 12, 12 5 60 और 3 12 5 60 और 6 आया 12 24 12 3 36 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42, मतलब 420, 420 हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये एलसीएम हो गया। और कितना शेष बचाना है, 5 शेष बचाना है, तो प्लस 5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 425 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, 8 घटाने पर शेष बची संख्या इतने से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है मतलब क्या है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, उसमें से कितना घटाना है, 8 घटाना है, मतलब हमारा जो संख्या होगा क्या होगा, एलसीएम ऑफ किसका किसका एलसीएम हो जाएगा, 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम प्लस
8, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा भाग चला जाएगा, ये एलसीएम जो आएगा इसमें तो पूरा भाग चला जाएगा। प्लस 8 कर रहे हैं मतलब क्या है दोस्तों, प्लस 8 करेंगे जो संख्या आएगा उसमें क्या करेंगे, फिर 8 घटा देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। 8 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 8 घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो इससे भाग जाना चाहिए, तो प्लस 8 करना पड़ेगा। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, हम मान लेते हैं 24 है, ठीक है। और 20 का क्या होता है दोस्तों, 4 पंजे 20 और 1, इसमें 24 में क्या होता है, 4 छंग 24, तो मतलब कितना नहीं आया दोस्तों, 5 नहीं आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या होता है 3 छंग 18, और इसमें क्या होता है 6 चौको 24, ठीक है, 6 चौको 24, 6 आ चुका है, 3 नहीं आया मतलब 3 आ जाएगा इधर, और 16 4 चौको 16 देखिए आया है क्या, 4 छंग 24 मतलब 4 भी आ चुका है और 6 में 2 आ चुका होगा, तो बचा क्या दोस्तों, देखिए इसको यदि करेंगे 4 × 6 करेंगे तो 4 तो 1 4 तो आ चुका है और 1 2 इसमें आ जाएगा, 3 में 1 2 बचा, तो 1 2 और ऐड कर देंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा दोस्तों। और इसमें कर दीजिए 3 का मल्टीप्लाई, 3 चौको 12 और 3 × 2 = 6 और 1 = 7 मतलब 720 हमारा आ गया क्या दोस्तों, एलसीएम। इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 728 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ रहा है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस जो 5 संख्या दिया गया है इससे पूरा विभक्त होने के लिए क्या होगा, वो कौन सी संख्या होगा, छोटी से छोटी संख्या मतलब जो विभक्त हो जाए वो तो हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 288 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। तो ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम का यदि हम इसमें क्या करें, 288 का मल्टीपल निकालें, मतलब के क्या है, के 1 2 3 4 5, के क्या है 1 2 3 4 5 जो है, तो इसका जो मल्टीपल आएगा दोस्तों वो ये पांचों संख्या से कट जाएगा। क्वेश्चन में एक कंडीशन ऐड कर दिया गया है, क्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 9999, ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 288 का मल्टीपल निकालना है जो कि इसके आसपास हो और इससे ज्यादा ना हो, मतलब 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना है, 99999, इससे बड़ी नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो वो कौन सी संख्या होगी वो हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, यदि 9999999 को 288 से भाग दे तो क्या हो जाएगा, जो भाग देने के बाद शेषफल जिसमें नहीं बचेगा, मतलब जो संख्या इसके आसपास होगा जिसका शेषफल नहीं बचेगा वो क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं, तो भाग देने के बाद शेषफल जो आएगा, इसमें शेष आएगा दोस्तों 63, तो 63 शेषफल आ रहा है, मतलब 63 को इसमें हम घटा दे यदि तो क्या हो जाएगा, वो 288 से कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 63 को घटाया तो कितना आ जाएगा, 3 और 6 होने पे 9, ठीक है, हासिल है कुछ नहीं, 6 और 3 होने पे 9, 9, 9, 9 मतलब 99,936, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा 99,936। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 99,936, ये हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसी क्वेश्चन में यदि पूछ लेता कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसमें क्या करते दोस्तों, 288 इसमें ऐड कर देते तो हमारा आंसर आ जाता 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखिए 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो, 2 शेषफल बचना चाहिए, एक कंडीशन तो ये बोला है, दूसरा कंडीशन क्या बोला है, परंतु 13 से पूर्णतः कट विभक्त हो जाना, मतलब 13 से कट भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका क्या होगा, इससे कटने वाली संख्या क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 तो ये पांचों छहों संख्या से कट जाएगा, लेकिन हमें 2 शेष बचाना है, मतलब 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन और बोला है क्या, 13 से भी कटना चाहिए। अब 13 से कटने के लिए क्या होगा दोस्तों, 122 13 से कटेगा क्या, 122 13 से नहीं कटेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 जो है उसको क्या, k का मल्टीपल प्लस 2, जो संख्या आप k की जगह 1 2 3 4 5 ये सब आपको रख के देखना है, जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, इससे कट जाए, ऐसी संख्या ढूंढना है जो कि इससे कट जाए, क्योंकि k का जो मल्टीपल होगा वो तो ये सारे संख्या से कट जाएगा, और 2 जो जोड़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, 2 शेष भी बच जाएगा, लेकिन हमारा 13 से भी विभक्त हो जाना चाहिए, तो k की वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो k की वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप यदि 8 रखेंगे, 1 2 3 4 5 आप रख के देखना है,
वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा तो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 प्लस 2 कितना हो जाएगा 962। तो 962 क्या है दोस्तों, वह संख्या है जो कि 13 से भी कट जाएगा और 2 बच भी जाएगा। अब देखिए, चाहे एक बार चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको 10 से भाग दूं तो कितना हो जाएगा, 10 नहीं 90 और 10 6 60, तो 2 बच जाएगा, ठीक है। और 13 से भाग देना है, 13 से देखिए कट रहा है कि नहीं, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, कितना बचा 5, 13 13 26, 13 43, 13 6 52, मतलब 74 आ गया। तो मतलब 13 से भी कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 962। हमारा आंसर कितना 962। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये छठा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। देखिए क्या बोला है, 4 अंक की, जैसे हमने अभी देखा था कौन सा चौथा क्वेश्चन वैसा ही है, 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। मतलब 4 अंक की बड़ी संख्या सबसे पहले क्या होता है 9999, बड़ी संख्या हो गया। और आगे क्या बोला, जिसे 12 18 21 24 से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में कितना 7 शेष बचे, मतलब 7 शेष भी बचाना है। तो इन चारों संख्या से भाग देने पर कट जाए वह संख्या क्या होगा, एलसीएम होगा इसका। इसके एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 504, ये आप निकाल लीजिएगा, 504 एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, 7 शेष बचाना है, मतलब क्या होगा, जो एलसीएम आया है 504 इसमें यदि 7 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, हमारा 7 शेषफल बचेगा, ठीक है। एलसीएम अब 12 12 12 18 21 और 24 प्लस के हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 504 प्लस 7, ये तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, 7 शेष बचाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालना, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 504 का मल्टीपल के प्लस 7, इससे जो संख्या होगा वो क्या होना चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए या फिर इतना होना चाहिए, 9999 होना चाहिए या फिर इससे छोटी होनी चाहिए, लेकिन 4 अंकों से बड़ी नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, k का मल्टीपल निकालना है, मतलब यहाँ पे 504 का मल्टीपल निकालना है, वो वाली संख्या क्या होगा दोस्तों, इससे कट जाएगा, ये जो हमारा संख्या है इससे कट जाएगा, क्योंकि वो एलसीएम का मल्टीपल है। तो इसको हमें करने के लिए क्या करेंगे, 9999 को क्या करेंगे हम दोस्तों, 504 से भाग देंगे। तो 504 से जब भाग देंगे एक बार चला जाएगा 5405, 5 और 9 से 9 और 4, यहाँ से 9 आ गया, 9 बार चला जाएगा, 9 9 6 36, हसीले 3 9 5 45, तो इसको कितना बचेगा, 3 और 3 और 4 5, 5 और 4 9, 423। अब 423 क्या है, शेषफल बच रहा है। अब 423 को यदि 9999 से घटा देंगे, 9999 से कितना 423 घटा देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, वो 504 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब वो संख्या कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला संख्या होगा, मतलब 504 का मल्टीपल, तो 3 और कितने होने पे 9 हो जाएगा, 3 और कितने 6 होने पे 9, और 2 और 7 होने पे 9, और 4 और 5 होने पे 9 और 9, ये हो गया हमारा वह संख्या। ये संख्या क्या है दोस्तों, 504 से पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें 7 शेष बचाना है, तो इसमें हमें क्या करना है, 7 ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा k का मल्टीपल आ गया, मतलब k का गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा वो कौन सा है, ये वाला संख्या है। तो हमें क्या करना है, अब 7 ऐड करना है, 6 6 12 13 7 और 1 8 5 9, मतलब 9583। ये संख्या क्या होगा दोस्तों, 4 अंक की सबसे बड़ी भी संख्या है, ठीक है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और जब इन चारों संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 शेष बचेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से करने की कोशिश करिए। ये सभी क्वेश्चन का मिश्रण है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, और जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक देखा था उसको मिला जुला के एक क्वेश्चन बनाया गया। अब इसमें क्या कर दिया गया, बस रेंज दे दिया गया, क्या बोला है, 2000 से बड़ी और 3000 से छोटी, मतलब 2000 और 3000 के बीच में होना चाहिए, ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 35 और 40 से भाग देने पर 19 शेष बचे, ठीक है, ये हमें देखना है। तो इससे भाग जाने के लिए, 24, 35 और 40 से भाग जाने के लिए क्या हो जाएगा, इसके एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 40 इंटू 8 5 40 होता है, 8 × 5 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 35 होता है, तो 7 हमारा यहाँ नहीं आया, 7 इसमें आ जाएगा, इंटू 24 कितना होता है, 8 3 24, 8 आ गया यहाँ पे, 8 3 बचा, 3 यहाँ आ जाएगा, 7 3 21 21 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 840, ये हमारा आ गया 840, क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब ये संख्या तो इन तीनों से कट जाएगा, लेकिन हमें 19 शेष बचाना है, तो 19 हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, 19 जोड़ देंगे तो हमें क्या है, 19 शेष बचेगा, लेकिन हमें एक रेंज दे दिया गया है कितना, 2000 और 3000 के बीच में, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 840 के प्लस 19, तो 840 का जो मल्टीपल होगा दोस्तों वो तो क्या हो जाएगा,
इन तीनों से कट जाएगा, प्लस 19 कर दिया तो 19 से बच जाएगा, तो हमें इसका मल्टीपल निकालना है। तो के की जगह 1 2 3 रख के आपको देखना पड़ेगा कौन सा होगा। तो जैसे 2000 और 3000 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि के की वैल्यू कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 3 चौको 12 और एक बचा 3 8 त्रिक 24 और 25, ये हमारा संख्या आ गया क्या, इसका मल्टीपल जब के की वैल्यू 3 रखा और यहाँ पे क्या कर देंगे 19 जोड़ देंगे। तो ये वाला संख्या तो दोस्तों ये जो आया है 25 20, ये इन तीनों संख्या से कट जाएगा, लेकिन हमें 19 से बचाना है इसलिए 19 ऐड कर देंगे। तो 9 और 2 और 1 3 और 5 और 2 मतलब 2539। तो 2539 जो आया है दोस्तों ये क्या होगा, इन तीनों से जब भाग देंगे तो 19 शेष बचाएगा और 2000 और 3000 के 2000 से बड़ी है और 3000 से छोटी संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।